दोस्तों, खिलाड़ियों और चोट का रिश्ता काफी पुराना है। चाहे कोई भी खेल हो, खिलाड़ियों को चोट लगना एक आम बात होती है। क्रिकेट के इतिहास में भी बहुत से ऐसे खिलाड़ी हैं जो चोट से काफी प्रभावित हुए। कुछ खिलाड़ी तो ऐसे भी हुए जिन्हें गंभीर चोटें लगी और उनका करियर खत्म हो गया, और कुछ खिलाड़ी ऐसे होते हैं जिन्हें जब मैच में चोट लग जाती है तो उन्हें रिटायर होना पड़ता है। हालांकि क्रिकेट इतिहास में कुछ ऐसे भी खिलाड़ी हुए जिन्होंने चोट के बावजूद भी अपने खेल को जारी रखा और दुनिया को दिखा दिया कि जिस चीज का भी जज्बा हो उसमें पीछे हटने वाले नहीं हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में भी आज हम आपको क्रिकेट इतिहास के 5 ऐसे ही खिलाड़ियों के बारे में बताएंगे जिनके शरीर में गंभीर चोटें लगी, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने अपना खेल जारी रखा। दोस्तों, भारतीय T20 लीग शुरू हो चुकी है और My11 सर्कल आपके लिए ऑफर की भरमार लेकर आया है। इस बार इसमें दादर रहाणे और VVS लक्ष्मण जैसे प्लेयर के साथ खेलकर करोड़ों रुपए जीतो। इस बार My11 सर्कल से बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता रणवीर सिंह भी जुड़ चुके हैं। यहां पर आपको 1500 रुपए का वेलकम बोनस तो मिलेगा ही, साथ ही 1 रुपए से 1 करोड़ रुपए जीतने का भी मौका मिलेगा। जी हां, आप यकीन नहीं करेंगे लेकिन ये सच है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाओ डाउनलोड करो। दिस गेम इन्वॉल्व्स एंड एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिस्क एंड मे बी एडिक्टिव, प्लीज पे रिस्पॉन्सिबली एंड एट योर ओन रिस्क। ब्रेट ली को दुनिया के सबसे तेज गेंदबाजों में से एक माना जाता है। उनकी गेंदों का खेलना हर एक खिलाड़ी के बस की बात नहीं थी। साल 2011 के क्वार्टर फाइनल में भारत के खिलाफ सुरेश रैना के एक शॉट से ब्रेट ली की आंख के ऊपर गेंद लग गई थी और काफी खून बहने लगा था, लेकिन ऐसे मौके पर ब्रेट ली ने हिम्मत न हारते हुए पूरा मैच खेला और अपने कोटे के पूरे 10 ओवर भी करने को तैयार हो गए। हालांकि वे अपनी टीम को मैच में जीत नहीं दिला पाए थे। सचिन तेंदुलकर कहते हैं कि जब शेर जख्मी हो जाता है तो वह और भी खतरनाक हो जाता है। ऐसा ही कुछ 1989 में सियालकोट में खेले गए अंतिम टेस्ट मैच के दौरान हुआ था, जब वक्कार यूनुस की एक बाउंसर गेंद पर सचिन चोटिल हो गए थे। गेंद सीधे उनके मुंह पर लगने की वजह से वे बुरी तरह से चोटिल हो गए थे और खून भी बहने लगा था, लेकिन उस समय 16 साल के सचिन ने क्रीज नहीं छोड़ी और खेलते रहने का फैसला किया। उन्होंने इस मैच में भारतीय टीम के लिए 57 रन की शानदार पारी खेली और मैच को ड्रा कराने में अहम भूमिका निभाई थी। सैन वाटसन IPL 2019 के फाइनल में चेन्नई सुपर किंग्स के लिए सैन वाटसन ने 59 गेंदों पर 80 रन की शानदार पारी खेली थी। उन्होंने अपनी इस पारी के दौरान 8 चौके और 4 छक्के लगाए थे। भले ही वे अपनी टीम को जीत नहीं दिला पाए हों, लेकिन उनके जज्बे ने सभी का दिल जीत लिया था। दरअसल उन्होंने ये पारी खून से लथपथ होकर खेली थी। जब वे बल्लेबाजी कर रहे थे तो उनके घुटने में चोट लगी हुई थी। अनिल कुंबले भारतीय टीम के पूर्व दिग्गज स्पिनर अनिल कुंबले भी अपने टूटे जबड़े के साथ खेल चुके हैं। उन्होंने बल्लेबाजी करते वक्त 2002 में एक टेस्ट मैच के दौरान वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाज मार्वन डिल्लन की गेंद जबड़े में लग गई थी और वो चोटिल भी हो गए थे। उनके जबड़े से काफी खून भी बह गया था, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने पूरा टेस्ट मैच खेला और शानदार गेंदबाजी भी की। गैरी क्रिस्टन साल 2003 में हुए एक टेस्ट मैच के दौरान साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज गैरी क्रिस्टन को पाकिस्तान के खिलाफ एक मैच में चोट लग गई थी। शोएब अख्तर की एक गेंद उनकी आंख में लगी थी और उनकी आंख में गहरा जख्म बन गया था और खून भी आने लगा था। गैरी क्रिस्टन दूसरी पारी में रिटायर्ड हर्ट होने के बाद क्रीज में आए थे और उन्होंने अपनी टीम के लिए 48 रन की महत्वपूर्ण पारी खेली थी।